हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। ये क्लास वन के बच्चों के लिए है हिंदी। तो चलिए हम हिंदी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप लोग को दो पेज हिंदी राइटिंग एवरी डे प्रत्येक दिन आप लोग को लिखना है। दो पेज हिंदी राइटिंग आप लोग को प्रत्येक दिन लिखना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये सब आप लोग का हो चुका था बच्चों, ये सब भी आपका हो गया था। ये भी यहाँ से आज हम लोग को पढ़ना है पोयम। हम लोग को पढ़ना है पोयम। तो बच्चों चलिए पहले हम ऐसा कीजिएगा, आप लोग राइटिंग भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा कविता। राइटिंग भी हो जाएगा, याद भी हो जाता है। आप लोग ऐसा कॉपी निकाल लीजिएगा, पहले हम एक दो बार आपको पढ़ के बता देते हैं, फिर आप कॉपी पर लिखिएगा, पढ़िएगा, आपका राइटिंग भी लिखा जाएगा, आपको पोयम भी याद हो जाएगा। यही सोचिए कि राइटिंग में आपको यही लिखना है, राइटिंग में आपको यही लिखना है, आपको याद भी हो जाएगा, पोयम भी लिखा जाएगा। करा बिनती सुन लो हे भगवान, बिनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, हम सब बालक हैं नादान, हाथ जोड़ कर हम सब करते रोज़ तुम्हारा ही गुणगान, हाथ जोड़ कर हम सब करते रोज़ तुम्हारा ही गुणगान। वीर बने हम धीर बने हम, वीर बने हम धीर बने हम, पढ़ लिख कर हम बने महान, पढ़ लिख कर हम बने महान, करे सदा देश की सेवा, करे सदा देश की सेवा, दो हमको ऐसा वरदान, दो हमको ऐसा वरदान। फिर से एक बार, बिनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, हाथ जोड़ कर हम सब करते रोज़ तुम्हारा ही गुणगान। वीर बने हम धीर बने हम, पढ़ लिख कर हम बने महान, करे सदा देश की सेवा, दो हमको ऐसा वरदान। इस तरह से आप लोग पढ़िएगा और लिखिएगा। चलिए हम इसको पहले आपको कर देते हैं, लिख के बता देते हैं ताकि आप कर लें इसको। इस तरह से आप राइटिंग भी हो जाएगा आपका और याद भी हो जाएगा, राइटिंग भी आपका हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। ऐसे आज का डेट 28 20 हिंदी सब्जेक्ट हो गया हिंदी, उसको राइटिंग भी आप कर सकते हैं। प्रार्थना है, क्या है? प्रेयर, प्रार्थना। आप इसको राइटिंग भी लिख सकते हैं, पढ़ के विनती, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, हाथ जोड़कर हम सब करते रोज तुम्हारा ही गुणगान। वीर बने हम धीर बने हम, धीर बने हम, पढ़ लिख कर हम बने
महान, करे, सदा, देश की सेवा, दो, हमको ऐसा वरदान। तो बच्चों ये आपका हो गया राइटिंग, इसको दो पेज में आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए जैसे हम लिख दिए हैं, देखिए जैसे हम आप लोग को लिख दिए हैं, इसी तरह आपको लिख के इसको याद करना है। दो बार लिखिएगा नंबर पर के, बस खुद याद हो जाएगा। प्रार्थना, देखिए एग्ज़ाम में भी बच्चों वन क्लास का जब एग्ज़ाम होता है तो पोएम लिखने के लिए आता है, वन पोएम लिखने के लिए रहता है, करीब 10 नंबर का रहता है। आपको इसको जब याद रहेगा तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। तो ये इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्रार्थना है, देखिए कर रहा है, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, हाथ जोड़ कर हम सब करते रोज तुम्हारा ही गुणगान, वीर बने हम धीर बने हम, पढ़ लिख कर हम बने महान, करे सदा देश की सेवा, दो हमको ऐसा वरदान। चलिए एक बार फिर से मेरे साथ, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, हाथ जोड़ कर हम सब करते रोज तुम्हारा ही गुणगान, वीर बने हम धीर बने हम, पढ़ लिख कर हम बने महान, करे सदा देश की सेवा, दो हमको ऐसा वरदान। कितना आसान है बच्चों, फिर से एक बार, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, हाथ जोड़ कर हम सब करते रोज तुम्हारा ही गुणगान, वीर बने हम धीर बने हम, पढ़ लिख कर हम बने महान, करे सदा देश की सेवा, दो हमको ऐसा वरदान। फिर विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, हाथ जोड़ कर हम सब करते रोज तुम्हारा ही गुणगान, वीर बने हम धीर बने हम, पढ़ लिख कर हम बने महान, करे सदा देश की सेवा, दो हमको ऐसा वरदान। तो बच्चों इस तरह सबको ये पोयम मेमो कर लेना है, याद कर लेना है। अब आगे देखिए यहाँ पे शब्दार्थ, अब जानेंगे कि विनती माने क्या होता है, प्रार्थना या निवेदन, इसको हम शब्दार्थ लिखा देंगे। वर्ड मीनिंग सोचिए क्या है, आप इसको याद कर लीजिएगा। शब्दार्थ यहाँ ही कर देते हैं, शब्दार्थ शब्दार्थ हो गया फर्स्ट है, विनती, विनती में से हो गया प्रार्थना या निवेदन। रोज प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन या नित्य, थर्ड हो गया वीर, ये हो गया समस्या का डांट कर सामना करने वाला वरदान, मैंने आशीर्वाद, वरदान मिस हो गया आशीर्वाद, इंग्लिश में इसको हम कर लिख देते हैं। निवेदन का होगा रिक्वेस्ट, विनती, उसके बाद एवरीडे ई भी ई,
एवरी डे बी ब्रेव, वरदान उसके बाद नादान, ना समझ, ना समझ अनजान, इसको हिंदी में बोलते हैं इनोसेंट। गुणगान, गुणों का बखान। गुणों का बखान ये हो गया ए डबल पी आर ई सी आई ए टी आई। सातवां हो गया धीर, धीरज रखने वाला। बच्चों इसको देख लीजिए आप, जिन बच्चों के पास बुक होगा वो तो बुक में ऐसे अपना देख के पढ़ लेंगे, जिन बच्चों के ना होगा वो जो हम करवा रहे हैं वीडियो को रोक के देख लेंगे। विनती, विनती मिस होता है बच्चों प्रार्थना, विनती मिस होता है प्रार्थना या निवेदन, विनती मिस होता है प्रार्थना या निवेदन। रोज मिस होता है प्रतिदिन या नित्य, रोज मिस होता है प्रतिदिन या नित्य माने एवरी डे। वीर मिस होता है समस्या का डट कर सामना करने वाला। वीर मिस होता है बहादुर, ब्रेव मिस वीर या बहादुर भी कहते हैं। वीर मिस होता है समस्या का डट कर सामना करने वाला। वरदान, वरदान मिस होता है आशीर्वाद, वरदान माने बच्चों होता है आशीर्वाद। उसके बाद है नादान, नादान मिस होता है ना समझ या अनजान, नादान मिस होता है ना समझ या अनजान। उसके बाद है गुणगान, गुणगान मिस होता है गुणों का बखान, गुणगान मिस होता है गुणों का बखान। धीर, धीर मिस धीरज रखने वाला, धीर मिस धीरज रखने वाला, धीर मिस धीरज रखने वाला। तो बच्चों ये आपका हो गया शब्दार्थ और आपको पोएम, इतना आप लोग को करना है, इतना आप लोग को पूरा करना है। जिनके पास बुक होगा बुक में से, जिनके पास बुक नहीं होगा उसको एक बार और हम करवा देते हैं। विनती सुन लो हे भगवान, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, हम सब बालक हैं नादान, हाथ जोड़कर हम सब करते, हाथ जोड़कर हम सब करते रोज तुम्हारा ही गुणगान, रोज तुम्हारा ही गुणगान। वीर बने हम धीर बने हम, वीर बने हम धीर बने हम, पढ़ लिख कर हम बने महान, पढ़ लिख कर हम बने महान, करे सदा देश की सेवा, करे सदा देश की सेवा, दो हमको ऐसा वरदान, दो हमको ऐसा वरदान। उसके बाद देखिए शब्दार्थ है विनती, विनती मिस होता है प्रार्थना या निवेदन। शब्दार्थ है विनती, विनती मिस प्रार्थना या निवेदन, रिक्वेस्ट। रोज मिस होता है प्रतिदिन या नित्य, रोज मिस होता है प्रतिदिन या नित्य। वीर मिस समस्या का डटकर सामना करने वाला, समस्या का डटकर सामना करने वाला होता है क्या वीर। वरदान मिस आशीर्वाद, वरदान मिस होता है आशीर्वाद। देखिए नादान, नादान मिस ना समझ या अनजान, नादान मिस होता है ना समझ या अनजान। गुणगान माने गुणों का बखान, गुणगान मिस होता है गुणों का बखान। धीर, धीरज रखने वाला, धीर मिस होता है धीरज रखने वाला, धीर मिस होता है बच्चों धीरज रखने वाला। तो इस तरह से आप इसको पहले इसको लिख लीजिएगा फिर उसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा याद कर लीजिएगा, ग्रुप में डाल लीजिएगा लिख कर। ये सब देखिए बच्चों इसको जो है वो हम अब अगले वीडियो में आपको ये सब पूरा करवा देंगे। देखिए आ के मात्रा है भगवान,
आँख की मात्रा वाला पर गोला लगाना है, जिसको हम अगले वीडियो में कर देंगे। इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये सब आप कर लीजिएगा। इधर आपका ये सब हो चुका है, ये देखिए बारह खड़ी है, क ख ग घ क क प का। फिर ने संयुक्त व्यंजन करवा दिए थे आप लोग को पिछले वीडियो में। संयुक्त व्यंजन आप लोग जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं, हिंदी ग्रामर में आप लोग को बताए थे। ये सब आप लोग का हो चुका है। तो बच्चों पोयम और वो शब्दार्थ ज़रूर मेमो कर लीजिएगा, मैक करके मैंने लिख कर, ये सब आपका हो चुका है, उसको लिख के और याद कर लीजिएगा। तो आज हिंदी का हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में आप लोग को हम आगे बताएंगे। तो चलिए बच्चों, हिंदी का सब्जेक्ट आज यहीं पे समाप्त होता है।